मामला बांदा जनपद के कहासीम थाना क्षेत्र के एक गांव से सामने आया, जहां 16 वर्ष की नाबालिग किशोरी के साथ पड़ोसी दबंग युवक ने किशोरी को घर में अकेला देख दुष्कर्म करने का प्रयास किया। घटना के वक्त किशोरी के परिजन देवी विसर्जन देखने गए थे। उसी दौरान अकेले का फायदा उठाकर पड़ोसी युवक ने युवती के घर पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, लेकिन लड़की चीख पुकार करती रही। लड़की की चीख पुकार सुन पड़ोसी रिश्तेदार पहुंचे, जहां युवक तमंचा दिखाते हुए मौके से भाग निकला। हालांकि परिजनों की तहरीर के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर युवती को मेडिकल परीक्षण के लिए जिला अस्पताल और मामले की जांच में जुट गई। आरोपी फरार है, पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इस घटना के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक बांदा ने बताया कि एक नाबालिग लड़की के साथ पड़ोसी युवक द्वारा छेड़खानी व अश्लील हरकतें करने की तहरीर लड़की के पिता ने पुलिस को दी थी, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है तथा आगे की कानूनी कार्यवाही की जा रही है। आवा के मारा बंद रहा, गोली से के मारा, फिर हमारे ऊपर लद पर के फिर मार कर चबाए धरी दे, छाना नहीं। अच्छा, क्या कर रही थी तुम घर में? पारी रहे, सोवत रहो। अकेले थी तुम घर में? अकेले थी, कोई नहीं थी। तो वो क्या करने आए थे, घुसा था घर में? घर में घुस गया, वो है के चबा रहा, छाना नहीं रहा। भाई जाओ छुटकाओ तो छुटा रहे, कोई तरह नहीं छुआ रहा, उनके लात मार रहे, अब तमंचा वही दिखा रहा। अच्छा, क्या करता है लड़के, क्या नाम है? छोटू नाम। तो थाने गई थी इसके बाद तुम लोग? थाने गई थी? थाने गई थी। क्या हुआ थाने में? कुछ नहीं, और यहाँ पूछे FIR दर्ज हुई नहीं हुई है? लड़का पकड़ा गया कि नहीं? लड़का भी नहीं पकड़ गया, भगा। लड़का नहीं पकड़ा गया? हाँ। क्या कर रहे हैं? हम चाहे दे भी दे, हम दे दे हमारे घर में कोई नहीं मिला, बिटिया का मोर रही है, तो हम सज्जन जब जाएगा हम लेके आओ, तो सज्जन हिया तो मेरे घर घुस गया, तो वो बिटिया पाई रही, कहीं तो वो पाई तो नहीं के टाइम ले, बिटिया का दाँत ले, और दाँत के बिटिया का अब जाओ आपका गवाला जो हमारा तोड़ कर मत छोट लड़का तुरंत आएगा, तो लड़का मत छुटाओ रहे तो मैं लड़का को मारे से तमंचा देखा, अब उनके लात मारे से छोटे लड़का घटना हमारे पास। कुछ गलत काम करने के लिए घुसा था क्या घर में? हाँ भाऊ, बाप ना कहाँ भी बहुत बहका था, एक खाते तो बड़ा था। क्या नाम है लड़के का? छोटू नाम। छोटू? लंकुश। लंकुश नाम है। हाँ। तो थाने गई थी आप? हाँ। क्या हुआ थाने में? अब वहाँ लिखा पढ़ी गए, ये बयान भी हुआ। अभी गिरफ्तार हुआ कि नहीं हुआ? अभी नहीं, अभी नहीं हुआ। बाप बेड़ा है। हाँ, बाप बेड़ा। चले गए थे देवी पंडाल में, 9:30 बजे की बात है, कभी मौका पाकर घर में घुस गए। कौन घुसा था? लौकुश। अच्छा, फिर क्या किया? फिर मेरा छोटा भाई पहुंच गया वहाँ से, जब देखा इसको तब मेरा छोटा भाई बोला, पकड़ा तो उसको बोला कि बताना नहीं किसी से, नहीं जान से दोनों को मार, और इतने में धमकी दे रहा था। कट्टा वट्टा वगैरह लिए था क्या? 315 का कट्टा लिया, तो धमकी दे रहा था मारने की। जी। थाने गए थे आप? क्या हुआ थाने में? थाने में FIR नहीं लिखी जा रही थी, अब लिख गई। FIR नहीं लिखी गई है? नहीं लिखी, नहीं गई थी, अब लिख गई। लिख गई है, तो आज बहन को लेके कहाँ पर आए हुए? अस्पताल बांदा मेडिकल के लिए। आरोपी गिरफ्तार हो गया या फरार है? अभी नहीं हुआ। पिताजी पकड़ गया। जो लड़की है उसके पिता ने, लड़की की उम्र लगभग 16 वर्ष है, ये घटना 7/10/2019 की है, 9:30 बजे रात की जो उन्होंने तहरीर दी है लड़की के पिता ने, उन्होंने तहरीर ये दी है कि रात में ये घर में ये लड़का घुस गया अभी, और घुस करके छेड़खानी की, अश्लील हरकत किया, और तत्पश्चात जो है वो चला गया वहां से। इस पर मुकदमा हम लोगों ने दर्ज कर लिया है, आगे की बाकी कार्यवाही चल रही है, और इस प्रकरण में जो भी चिकित्सकीय जांच है और बाकी सारी कार्यवाही हम लोग तत्परता से। लड़की का कहना है कि तमंचे के नोक पर हमारे साथ अश्लील हरकत की गई है, प्राइवेट पार्ट से छेड़खानी की गई है। जी, जो भी इसमें आएगा, जो तहरीर है तहरीर के मुताबिक, और जो भी इसमें आगे चिकित्सकीय जांच बाकी सारी चीजें हैं, सभी चीजों के अनुसार हम लोग कड़ी से कड़ी कर रहे हैं। आरोपी युवक अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है? जी, ये विवेचना का विषय है, और जैसी विवेचना होगी उसके अनुसार।